हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक न्यूज 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेकल कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में, आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स क्या बनने हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें हेकल लिमिटेड कंपनी की, तो शुक्रवार के दिन हमें 8.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 366.25 रुपये पर कर रहे हैं। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में आओगे तो आप देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम फिलहाल बना हुआ है हेकल कंपनी के शेयर प्राइसेस में। फिलहाल आप देखोगे हमें वन डे टाइम फ्रेम पर जो चार्ट है आप देख रहे हो, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्योंकि आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से जो कंपनी की ट्रेड लाइन, जो मतलब कि कंपनी के शेयर प्राइसेस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहे थे, यहाँ देखोगे अपने आप रेजिस्टेंस के पास पहुंच के अपने आपको रिटेस्ट किया और यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला। वहीं हम आ जाते हैं वन वीक चार्ट पर। अगर आप वन वीक चार्ट पर भी आगे देखोगे तो हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला है। आप देखोगे कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहे थे। ये वन वीक की कैंडल है जो आप देख रहे हो और यहाँ हमें ब्रेकआउट मिल गया और अच्छा खासा वॉल्यूम हमें हेकल में देखने को मिल रहा है। और जो हमें यहाँ से टारगेट दिखाई दे रहा है अपना पोजिशनल ट्रेडिंग में, क्योंकि जो वन वीक टाइम फ्रेम पर जो हम चार्ट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देते हैं, हमें देखते हैं क्या टारगेट हो सकता है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग बनाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। यानी यहाँ तक 412 तक पहुँचने में एक महीना भी लग सकता है, दो महीना भी लग सकते हैं, तीन महीने भी लग सकते हैं, 412 भी लग, जो हमारा टारगेट बन रहा है। क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 412 पर है हेकल का, जो हमारा टारगेट बन रहा है वो 412 का बन रहा है हेकल लिमिटेड कंपनी में। वहीं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट, अगर हम क्वार्टर्स देखें कंपनी के तो आप देखोगे लगातार कंपनी ने नेट प्रॉफिट आ पाओ तो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। वहीं आप देखोगे सिर्फ एक क्वार्टर जून 2022 के क्वार्टर में 9 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, बाकी लगातार हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। भाई अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में आओगे तो 2013 में 660 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 2024 तक 1785 करोड़ की हो गई, यानी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। भाई अगर आप 2023-2024 देखोगे तो यहाँ हमें कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है। 2022 में आप देखोगे 1943 करोड़ की सेल थी, जबकि 2023 सेल्स तो इंक्रीज हुई पर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा, यानी कहीं ना कहीं जो कंपनी के एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हुए, जिस वजह से आप देखोगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 78 करोड़ रहा 2023 में, 160 करोड़ से घटकर 78 करोड़ पे आ गया। भाई हम 2024 में आ जाओ, कंपनी की सेल्स बढ़ने की वजह घटी। भाई आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% तो हुआ, पर आप जैसे कि शुरू से देख रहे हो 28%, 23%, 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उतना प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा, प्रॉफिट मार्जिन घटा, यानी 15% के करीब प्रॉफिट मार्जिन रहा। पर आप 2023 से कंपेयर करोगे तो 2% बढ़ा। 1785 करोड़ की सेल रही, जो कंपनी के एक्सपेंस रहे वो रहे 1518 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा जो कंपनी का 267 और नेट प्रॉफिट रहा जो कंपनी का 70 करोड़ रहा, यानी आप देखोगे जो पिछले 2 साल है यहाँ प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है। लॉन्ग टर्म में वही कंपनी टिकती है जो लगातार प्रॉफिट करती है। भाई अगर कंपनी की जो फिलहाल मार्केट कैप है वो 4520 करोड़ की है, इंडस्ट्री पीई के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ते हैं। भाई ग्राम नंबर के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, ROE भी कंपनी का कम है और ROCE भी कंपनी का कम है, फंडामेंटल्स कंपनी के उतने अच्छे नहीं हैं। पर फिर भी फंडामेंटल्स अगर हम दें तो 10 में से आप 4-5 नंबर फंडामेंटल्स को दे सकते हो हेकल लिमिटेड कंपनी के। भाई जैसे कि मैंने बताया वन वीक टाइम फ्रेम पर जो टारगेट बन रहा है 410 का, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के पर्पस से बनाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।